नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है शॉर्ट टर्म डेट फंड, म्यूचुअल फंड में पैसा रखना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला है कि मान लेते हैं कि 25,000 से 1 लाख 2 लाख तक सैलरी है, तो सैलरी का 5 महीने तक पैसा इमरजेंसी फंड बचा कर रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? मान लेते हैं किसी के पास, किसी का 10,000 रुपये पर मंथ खर्चा है, नहायत ही ज़रूरी वाला खर्चा, मोबाइल खरीद लेना है, टेलीविज़न खरीद लेना है, वॉशिंग मशीन खरीद लेना है, उस समय ऐसा नहीं करेंगे। इमरजेंसी में 10,000 पर मंथ खर्चा है तो 50,000 रुपये इमरजेंसी फंड में रखेंगे, 20,000 रुपये पर मंथ है तो 5 महीने के हिसाब से 1 लाख रुपया इमरजेंसी फंड बना के रखना है। अगर किसी का 50,000 रुपये पर मंथ नहायत ही ज़रूरी चीज़ में खाने पीने में खर्च है, बच्चों को एजुकेशन सब मिला के 50,000 रुपये पर मंथ खर्चा है, तो 5 महीने के हिसाब से 2.5 लाख रुपये रखेंगे। कहाँ रखेंगे? तो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप देखते हैं, अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में रखेंगे, मान लेते हैं कि स्मॉल कैप है, मिड कैप है, मल्टी कैप है, आपके पास फंड है 8-10 है, उसमें एक डेट फंड पड़ा हुआ है SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड, तो उसका रिटर्न आपको दिखेगा 6-7%। तो आप कंपेयर करेंगे इक्विटी से, इक्विटी भाग रहा है 20-25% के रेट से और ये 6-7.5% के रेट से दिख रहा है, तो कभी ना कभी वहाँ से छलांग लगा के आप इक्विटी में आ जाएंगे। अब भूल जाएंगे इमरजेंसी, जब बढ़ते रहता है मार्केट ना, सब कुछ भूल जाते हैं, डेट फंड लिक्विड फंड सब भूल जाएंगे और इक्विटी में छलांग लगा देंगे। तो इमरजेंसी फंड बना कर रखना है, तो मैं तो कहूँगा कि बैंक FD में ये पैसा एज पर रिक्वायरमेंट 5 से 6 महीने का बैंक FD में रखें, या जो ऐप में आपका इक्विटी स्मॉल कैप मिड कैप है उससे अलग AMC का वेबसाइट से या कोई अनदर ऐप से आप डेट फंड में इतना सा पैसा जमा करके रखें। उदाहरण के तौर पे मैंने अभी स्विच किया है, तो कुछ पैसा हमारा डेट फंड में है, लिक्विड फंड में है, एक्सिस लिक्विड फंड, एक्सिस के ही फंड में था, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में, तो मैंने 2,14,000 रुपया यहाँ पर रखा है। कितना रिटर्न मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, बैंक पोस्ट ऑफिस जैसा ही होगा। कुछ पैसा FD में भी करके रखा है इमरजेंसी के तौर पे, तो ये तो मुझे 2-4 महीने के अंदर ज़रूरत है तो यहाँ से निकाल लूँगा, रिडीम करके तो आ जाएगा। लेकिन आप अपने केस में सेम ही ऐप में पैसा ना रख करके आप बैंक FD में रख लीजिए या अनदर ऐप में, नहीं करेंगे तो मैंने भी कभी डेट फंड में पैसा रखा था, लिक्विड में रखा था और उसको स्विच करके इक्विटी में चले आए, फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन इमरजेंसी वाला पैसा इमरजेंसी के लिए ही बना के रखना है। फिर अगला क्वेश्चन होगा, अब यहाँ पे दूसरे कैटेगरी के लोग होंगे जो पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं और 1 करोड़ रुपया पूरा हो गया है म्यूचुअल फंड में, 1 करोड़ रुपया बन गया है, 10 साल 12 साल 15 साल से कर रहे हैं, 1 करोड़ पूरा हो गया, उनके लिए 10% डेट फंड में पैसा रखिए, लगभग 10 लाख रुपया डेट फंड में हमारा भी है, बना के रखिए। अगर कभी जरूरत पड़ता है, होता ये है इक्विटी में आपने पैसा 1 करोड़ बना लिया SIP करके, 20,000 25,000 15,000 SIP कर रहे थे, 1 करोड़ बन गया, और फिर देखते हैं आप बढ़ते बढ़ते 1 करोड़ 30 लाख हो गया और थोड़ा सा गिरा 1 करोड़ 20 लाख बचा। अब यहाँ पे जब आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ 20 लाख दिख रहा है, आपको 2 लाख का जरूरत है, कार में डाउन पेमेंट करना है, तो अब यहाँ पे ये पैसा निकालना मुश्किल हो जाता है। हमें लगता है मानव जाति को कि 1 करोड़ 30 लाख था तब निकाले होते तो कितना फायदा होता, अभी गिरे हुए में निकालेंगे तो नुकसान ही नुकसान होगा, और डर से फिर वो निकालते ही नहीं है, लालच है, डर नहीं है, यहाँ पे लालच है कि यहाँ पे निकाले होते तो अच्छा होता, निकालते ही नहीं है। लेकिन अगर डेट फंड में 10 लाख रुपया है, 2 लाख निकालना है, 4 लाख निकालना है, जब मर्जी तब निकाल के, क्योंकि जानते हैं यहाँ पे ज़्यादा घुरपुर तो है ही नहीं, ज़्यादा हलचल हलचल है ही नहीं, यहाँ पे हमेशा लाइफ टाइम हाई देखा जाता है, डाउन हो तो आप पैसा निकालेंगे नहीं। एक बार पैसा बन गया है तो डेट फंड में 10% पैसा जरूर झोंक के रखना चाहिए इमरजेंसी के लिए। और यहाँ पे है क्या कि पैसे का पहाड़ बना के नहीं रखना है, धन का 3 गति संस्कृत का याद रखना है, दानम भोगम नासम, दान तो करेंगे नहीं, खुद पे भोग कीजिए, जो ये दोनों चीज़ नहीं कर पाएंगे उसका नाश पक्का है, मार्केट में ही पड़ा रहेगा, ऊपर चले गए 2 लाख रुपए रिडीम कर लेते, ऊपर से देखेंगे कि काश रिडीम कर लिए होते तो कुछ ज़िंदगी और होता, अब नीचे ही होते, ऊपर चले गए, सारा पैसा वहीं पर पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं करना है। अब एक तीसरा क्वेश्चन होगा, कौन सा शॉर्ट टर्म, तो यहाँ पे स्टार SIP में जाएंगे तो 36 नंबर कैटेगरी और 54 नंबर कैटेगरी मिलेगा, शॉर्ट टर्म डेट फंड लिक्विड फंड, यहाँ देखते हैं शॉर्ट टर्म डेट फंड और लिक्विड फंड कैटेगरी में जाएंगे, 36 नंबर में आएगा शॉर्ट टर्म डेट फंड। इसका एक रिकॉर्ड देखते हैं, पिछले 10 साल में 10 लाख रुपया किसी ने झोंक दिया और यहाँ पे AUM वाइज है 16,000 करोड़ 13,000 करोड़ 12,000 करोड़, SBI में 12,000 करोड़। शॉर्ट टर्म डेट फंड में रखा, रिटर्न कितना है? 7.74, 7.07, 7.61, 7.12। SBI का कितना है? पिछले 10 साल में 7.12, मतलब बैंक FD के तरह ही सुविधा है कि आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, कंपाउंडिंग हिसाब से इसी हिसाब से चलता रहेगा। ये तो हो गया डेट फंड।
लिक्विड फंड का अगर बात करें तो यहां पे मिलेगा आपको लिक्विड फंड 54 नंबर में कैटेगरी में। एएम के हिसाब से देखेंगे तो 52,000 करोड़, एचडीएफसी में 47,000 करोड़। दो ही फंड काफी है लिक्विड के लिए, एसबीआई लिक्विड, एचडीएफसी लिक्विड। मेरे केस में बोलेंगे आपका एक्सिस लिक्विड में, हमने एक्सिस इक्विटी में जो पैसा था उसी को स्विच करके लिक्विड में रखा। किसी का पैसा अगर मान लो एचडीएफसी में है, आईसीसी में, तो वहां इक्विटी से निकल करके एक करोड़ बन चुका है, आईसीसी से निकल के आईसीसी लिक्विड में चले जाइए। किसी का पैसा आदित्य बिरला स्मॉल कैप में होगा, इमरजेंसी फंड बनाना है, वहां से निकल के लिक्विड फंड में आ गए। यहाँ पे लगभग 6.46 का रिटर्न आदित्य बिरला ने दिया है। तो इस तरह से करके आप थोड़े से पैसे इमरजेंसी फंड के लिए यहाँ पे भी रख सकते हैं लिक्विड डेट में, या बगल का जो ब्रांच है नज़र के सामने जिगर के पास एफडी करके रखिए, वो ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे जो 90% पैसा जिंदगी में बचता है, 10% आप सेव करके इमरजेंसी फंड में लिक्विड डेट में रख दिए, एफडी में रख दिए, 90% बोलूँगा मैं स्मॉल कैप में पैसा लगाते रहिए, लगाते रहिए ता उम्र लगाते रहिए, वो पैसा बढ़ते रहेगा। ग्रोथ जो वर्ल्ड का ग्रोथ हो रहा है वो ग्रोथ होते रहेगा। अगर मोगेम्बो का चालबाजी इसी तरह से पर्दाफाश होता रहा, डायरेक्टर प्रोड्यूसर ज़्यादा खेल नहीं पाया, तो पीछे 20 25 30 साल में जितना रिटर्न मिला है मार्केट में उससे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं एक कंपेयर करता हूँ एसआईपी के दृष्टिकोण से। यहाँ पे एसआईपी हमने लिया है पिछले 15 साल में कितना पर मंथ, 5,000 रुपये पर मंथ किया, तो डीएसपी स्मॉल कैप ने 9,00,000 रुपये जमा हुआ है, 52,00,000 बनाए पिछले 15 साल में, 21% का सालाना रिटर्न दिया है। कोई ट्रेडिशनल प्लान, इंश्योरेंस, यूलिप, प्रोविडेंट फंड, एनपीएस में 5,000 रुपया जा रहा होगा, तो स्टेटमेंट निकाल के देखिए क्या उसमें इतना पैसा है, या सबसे कम वाला जो है, सबसे कम में पिछले 15 साल में आदित्य बिरला स्मॉल कैप 9,00,000 का 34,00,000 बनाया है। मैं एवरेज पकड़ता हूँ 19.44 कि आज से आपने डिसाइड किया स्मॉल कैप में पैसा रखना है, और एवरेज जो पिछले 15 साल में मिला वही एवरेज कैलकुलेट करूं 19.44। यहां पे देखते हैं आने वाले 15 साल तक करना है, और एवरेज रिटर्न 19.44 लिया जो पीछे 15 साल में मिला वही आगे मिले, तो 15,000 रुपये पर मंथ करूं तो 1 करोड़ रुपया कितने समय में हो सकता है। यहां पे देखते हैं अगर 15,000 रुपये पर मंथ करूं एसआईपी और वही रिटर्न 19.44 मिले, तो 13 साल में 23,40,000 जमा करूंगा और 1,06,00,000 रुपये बन जाएगा। स्टार एसआईपी में जब जाएंगे तो कहेंगे कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे सारा कैश फ्लो दिया है कैसे धीरे धीरे पैसा आपका बढ़ते जा रहा है 19% के रेट से। इसको रेट को चेंज कर सकते हैं, टाइम को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, अमाउंट बढ़ा घटा सकते हैं, खुद फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए starsip.in वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। फंड कौन कौन सा होना चाहिए अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे, तो भले ही आप 15 साल का रिकॉर्ड देखे हैं, फंड जब खरीदने का बारी हो तो 10 साल सेलेक्ट करके टॉप का जो फंड आपको दिखे यहाँ पे, क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, HSBC दिख रहा है यहाँ पे, AUM देख लेते हैं 13,000 करोड़, यहाँ भी लगा सकते हैं, SBI स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, ये सारे फंड बेहतरीन है। एक 250 इंडेक्स फंड, उसको भी जोड़ करके बराबर बराबर करके 2,000 रुपया करके, 3,000 करके, आप ज़्यादा पैसा है 5,000 रुपया करके, उससे भी ज़्यादा पैसा है 10,000 रुपया करके, 5 फंड 6 फंड ले करके आप SIP कर सकते हैं। एक्सपेक्ट कीजिए 15%, उससे ज़्यादा कहीं मिलेगा, टाइम देना पड़ेगा। कुछ कमेंट्स का बात कर लेते हैं। कमेंट्स में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, राजू सर मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, 7,000 पर मंथ SIP किया है, रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, 20 से 25,00,000 10 साल में हो जाएगा, स्मॉल कैप में चल रहा है। अगर मात्र इतना ही टारगेट है तो बिल्कुल पूरा हो सकता है। इसको आप ऐसे कैलकुलेट कीजिए, खुद से कैलकुलेट कीजिए, 7,000 रुपये पर मंथ 10 साल का आपने टारगेट दिया, यदि 15% का रिटर्न मिलता है 8,40,000 जमा होगा, 19,50,000 लगभग 20,00,000 बन जाएगा। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पैसा कभी एक्स्ट्रा ट्रक में कमा लिया, इधर उधर फेरी लग गया, 10,000-20,000-25,000 रुपया एक्स्ट्रा टॉपअप 5,000-5,000 रुपया करके कर दीजिए। मार्केट थोड़ा सा डाउन है, रिंगटोन में सबको डरा रहा है, घर के अंदर बंद है, इधर से खरीदो उधर से मत खरीदो, लाठी मार रहा है बिना मतलब का, बिना समझबूझ का, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है, लाठी मार रहा है, यहाँ बैठो वहाँ मत बैठो, इधर जाओ उधर मत जाओ। वो बचपन में सुनते थे ना, बचपन में मम्मी वहाँ चले जाऊँ, नहीं वहाँ भूत है, उसके घर चले जाऊँ टेलीविजन देख लो, ना वहाँ भूत है। जब बड़े हुए तो पता चला सबने मामू बनाया, कहीं भूत तो है ही नहीं। अब 3 साल के बाद पता चल रहा है भाई इतना बड़ा काटा कि किसका रिकवरी करना मुश्किल है। तो इस तरह से करके आपका जो टारगेट है बहुत सिंपल है, अचीव कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में टॉपअप करते रहिए। सर मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास 20,000 रुपया है,
मैं इसको SBI मैग्नम मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, कैसा रहेगा? SBI मैग्नम मिड कैप से मैं अच्छा बोलूँगा, SBI का 150 इंडेक्स फंड और SBI का 250 स्मॉल कैप इंडेक्स फंड, दोनों में आप 10-10 हज़ार रुपये लगा के छोड़ दीजिए, हरी कीर्तन कीजिए, लंबे समय तक बने रहिए, अच्छा खासा पैसा बनेगा। बीच बीच में पैसा आता है ज़िंदगी में तो थोड़ा थोड़ा और टॉपअप करते रहिएगा या SIP बढ़ा दीजिएगा। राजू सर, अगर सरकार पलट जाएगा तो स्टॉक मार्केट क्राइस हो जाएगा, वो हमेशा पलटता आया है 1947 से। आपने पिक्चर देखा है ना मिस्टर इंडिया, हे मोगेम्बो, एक को बोलता है जंप, दूसरे को बोलता है जंप, तीसरे को बोलता है जंप, वो पिक्चर में बोला, वो चारों बंदे को पकड़ के लेते आया, जंप नहीं करवाया, एक्चुअल में बोला तुम ये बन जाओ, तुम ये बन जाओ, तुम ये बन जाओ, तुम ये बन जाओ, 5 साल तुम बन जाना, 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 कोई भी अल्टा पलटी हो चलेगा वही जो मंजूर है मोगेम्बो होगा, कुछ होगा क्रेस हो जाएगा तो हमारे जैसा बंद तो अपॉर्चुनिटी में झोंक देंगे पैसा, हमारे साथ जो इन्वेस्टर हैं 10 हज़ार जो जागरूक हैं वो झोंक देंगे, होने तो दीजिए क्रेस, लंबा क्रेस होना मुश्किल है, नामुमकिन है, क्यों? भंडाफोड़ पहले ही हो रहा है, जागरूक लोग ज़्यादा हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, मैंने 20 लाख का लोन लेकर फ्लैट लिया, रेंट 27 हज़ार मिल रहा है, सही इन्वेस्टमेंट है या नहीं? गलत। ये जो क्वेश्चन है ना अपने आप में क्वेश्चन थोड़ा सा छुपा छुपा करके है, पूरा बात नहीं बताया है। अगर आप तो लड़का हैं या लड़की हैं हम तो जानते नहीं हैं, अगर तो आप लड़का हैं तो पक्का बात है कि आपको बीवी जी के पापा जी ने 20 लाख रुपया और दिया होगा डाउन पेमेंट करके, और 20 लाख रुपया आपने लोन लिया, 20-20-40 का घर हो गया, आपने 10 हज़ार रुपया कुछ बचा के रखा भी हुआ, उस 10 लाख को भी लगा दिया, कुछ दोस्तों से भी कर्जा ले लिया 1-2 लाख रुपया, अरे मेरा मित्र हो इतना दिन से, इतना समझ नहीं करोगे, घर बना रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, सब लेके झोंक झाक के 50-60 लाख रुपए लगा दिया और 27 हज़ार रुपये पर मंथ ले रहे हैं। मैं कभी भी कहीं भी गया हूँ, अरे राजू जी आपके पास इतना पैसा है, वीडियो बनाते हैं, रेंट पे रह रहे हैं, रेंट के पैसे में, रेंट के पैसे में अपना घर हो जाए तो नहीं लेना चाहिए? बोले मैं बोले दिला दो, रेंट में दे रहा हूँ 20 हज़ार और इसमें 20-25 लाख रुपये लोन मिलेगा, EMI 20 हज़ार जाएगा, तो EMI हो गया, रेंट बराबर हो गया, ये लो 20-25 लाख रुपया दिला दो। नहीं, थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा, 50 लाख तक में मिल जाएगा, कहाँ से आएगा पैसा बाकी? तो थोड़ा सा ईमानदारी से, वफादारी से, गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा, ऐसे वाला क्या 20 लाख में सचमुच 27 लाख मिल रहा है, 27 हज़ार मिल रहा है? नहीं मिल सकता है, कभी नहीं मिल सकता है, बनाए भी होंगे, करे भी होंगे, मेंटेनेंस भी दे रहे होंगे, बहुत तमझाम है भाई। जब आपके पास 1-2 करोड़, 4 करोड़ हो जाए फिर बनाते रहिए ना, समाज में अमीरों का पैसा जाएगा तभी तो गरीब लोग, हमारे जैसा 20 साल तो गरीब लोग रहे उसमें, कोई ना कोई तो बनाया ही होगा ना, पहले 1 करोड़ रुपया बना लीजिए फिर दान पुण्य का काम आगे करते रहेंगे। क्वांट स्मॉल कैप में 1000 SIP बेहतरीन फंड, इससे बेहतरीन तो कुछ है ही नहीं। एक्सिस स्मॉल कैप 500 रुपया पर मंथ, अगेन बेहतरीन। DSP निफ्टी स्मॉल कैप 250, एकदम बेहतरीन क्वालिटी वाला फंड, सेम जो SBI 250 इंडेक्स बोलता हूँ, एक ही जैसा है, चेहरा एक ही जैसा है, कोई अंतर नहीं है, बढ़िया फंड। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप 500 SIP, HDFC 250 स्मॉल कैप, वो तो एक ही बात हो गया, अलग अलग नाम है, 500 रुपये पर मंथ। HDFC फार्मा, इससे निकल जाइए, मोगेम्बो का तो है ये, इससे तो बचने बोल रहा हूँ, यही तो दिलाया था 1-2-3 और आप धड़धड़ाकर गिरते जा रहे हैं, इससे निकल जाइए, HDFC स्मॉल कैप में झोंक दीजिए। HDFC मल्टी कैप, ये भी बेहतरीन फंड है, इमरजेंसी फंड बनाकर रखिए। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, एक्सिस मैन्युफैक्चरिंग, इसको भी निकल करके आप एक्सिस स्मॉल कैप में चले जाइए। टोटल 6500 रुपया का SIP चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हाई रिस्क है, चलते रहने दीजिए। टारगेट, पहला टारगेट रखिए आप 50 लाख रुपया का, बन जाएगा 10-12 साल में। अगला क्वेश्चन है, मेरा पोर्टफोलियो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 1500, HDFC स्मॉल कैप 1000, SBI स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, अमाउंट 5500 रुपये पर मंथ, बेजोड़ है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, बेहतरीन। लमसम 5 लाख पे लगाना है, एज 36 है, 24 साल के लिए लगाना है, किस फंड में लगाऊं? वही आप star SIP.in में जाएंगे तो आपको पहला क्या दिखेगा, स्मॉल कैप, इस स्मॉल कैप में बराबर बराबर करके आप पैसा लगा सकते हैं, लमसम हो, वन टाइम हो, अगर लमसम कोई AMC नहीं ले रहा है तो मैक्सिमम केस में
मैक्सिमम अमाउंट में एसटीपी करके एसआईपी करके आप पैसा झोंकते जाइए। क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, एचएसबीसी स्मॉल कैप, एसबीआई 250 स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप बराबर बराबर करके पांचों फंड में पैसा डाल दीजिए। आगे फ्यूचर एकदम ब्राइट रहेगा। 5 लाख रुपया कम अमाउंट नहीं होता है, 1-1 लाख रुपया करके डाल दीजिए। जब ज़्यादा समझ में आ जाए, थोड़ा बहुत और पैसा आए, तो उसी में एसआईपी भी कर दीजिएगा। राजू सर, भूतकाल के बारे में वीडियो हो जाए, कैसे आपको पहले से पता चला कि ये अमृतवाणी जो लिया 1, 2, 3 नहीं लेना था और आप सही साबित हो रहे हैं? बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको कैसे पता चला? आपने मिस्टर इंडिया का पिक्चर देखा है? बोला हाँ देखे हैं। उसमें बोलता है जंप जंप जंप, और साइंटिस्ट भी था वहां पे, डॉक्टर भी था। 1-2 साइंटिस्ट डॉक्टर वहां से भाग गया कि भाई हम इस सब में सम्मिलित नहीं होंगे। अब उनका मुझे चैनल भी दिख गया, उनका किताब मिल गया, उसको हम पढ़ते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं। 1 लाख 10 लाख 20 लाख का पैकेज ठुकरा करके मोगा और अपना काम कर रहे हैं। अभी तो कुछ खेल शुरू हुआ, अभी तो खेल शुरू भी नहीं हुआ है भाई। भाई साहब कुछ भी शुरू नहीं हुआ, जितना चीज जानते हैं बताएंगे, चैनल भी ऊपर, हम भी ऊपर। तो धीरे धीरे समझिए, अच्छा रहेगा। इतना लोड खोपड़ी पे आ भी नहीं पाएगा। इसका क्या क्या इफेक्ट होगा आप देखिए। एक तो ये हो ही रहा है, हर्ट, ब्रेन, अपंग, चारपाई पे लेटे रहेंगे। अनु कपूर, सारे गामा, अंतराक्षी पिछले 1 साल से वेंटिलेटर पे हैं, सर्च कीजिए, मिलेंगे नहीं कहीं। बच्चे ना होना ट्राई कर रहे हैं, लगे रहे हैं। अरे बिल्लू बादशाह जो है, बिलगेट्स बना कर रखे ना आपके लिए, मशीन वाला बच्चा, क्या जरूरत है इतना मेहनत करने का? मशीन वाला मिलेगा 2-4-5 लाख में, ना होना। अच्छा ठहर गए 1-2-3 महीना में, मिस कैरेज हो जाना। समाज में देखिए, आंख खोल के खोलिए, देखिए आसपास ऐसा हो रहा है क्या? हमारे जो इंप्लाई हैं उनके साथ ऐसा हुआ 1-2 बार। ये वाला बीमारी, बेतहाशा वृद्धि, वो दिया ऐसे अमृतवाणी में, ऐसा चीज डाला गया था कि बेतहाशा वृद्धि हो जाए, एक किडनी डायलिसिस का नौबत आ जाए, ऐसा डाला गया था। अच्छी बात है कि यदि आप इसको प्रॉब्लम समझते हैं तो सॉल्यूशन भी उस साइंटिस्ट जो भाग के आए, सॉल्यूशन भी दिए हैं। इसके अंदर क्या डाले थे मटेरियल? ग्रेफिन ऑक्साइड, सर्च कीजिए इसके बारे में। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। कहाँ सॉल्यूशन है? ये चैनल है और ये वीडियो देख लीजिए, सॉल्यूशन तगड़ा वाला है ये। आप इस चैनल पे जाएंगे, वीडियो में जो मोस्ट व्यूज वीडियो में है, मोस्ट पॉपुलर वीडियो है, मोस्ट पॉपुलर वीडियो में जब जाएंगे तो ये वाला वीडियो मिलेगा, डिटॉक्स कैसे करें, अमृत प्याला बूटी जो लिया 1-2-3, डिटॉक्स कैसे करें। हमारे जो कैमरा मैन है अजय जी, इनको हमने ये कुरियर करवा करके 1,800 रुपया लगा था, डिटॉक्स करा दिया, अब ये निश्चिंत है। यकीन मानिए, इनके पापा जी को लगा 1-2-3 और 1 महीने में घर से गए ताश खेलने के लिए, मम्मी खाना पाना खिला के भेजी थी, और न्यूज आता है 2 घंटे के बाद कि हार्ट अटैक से वहीं गिर गए, 4 आदमी के बीच ताश खेल रहे थे। बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है भाई। कुछ लोग हंसते हैं कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, आप तुमको कुछ नहीं पता है। तो अल्ताफ राजा का गाना इस पे नज़र याद आता है, तुम आज भले ही मेरी हंसी उड़ाओ, रोता हुआ तुम्हें कल छोड़ जाएंगे। जो समझना है जल्दी समझ लो भाई, ज़्यादा टाइम किसी के पास नहीं है। इस चैनल को देखेंगे समझ में आएगा। और ये तो आपका डिटॉक्स का बात हुआ, लेकिन ये वीडियो देखेंगे तो राक्षस का जान एक तोते में होता है, वो तोता का मुड़का पकड़ा गया, मुंडी पकड़ा गया, ऐसे करके मचोर रहे हम लोग। ये वीडियो देखेंगे, मोगेम्बो का जान एक तोते में और तोता का मुड़का पकड़ा गया है। अगला कमेंट्स की तरफ चलते हैं, इन्वर्टेड कोमा बंद करते हैं, सेक्रेट चीज को बंद करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमें इसलिए पता चल जाता है कि जो वहां से जो भागा हुआ है, 7 समंदर पार से नौकरी पकड़ी छोड़ के, जो निडर इंडिया का देख रहे हैं ना, हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी छोड़ दिए और इस सेवा में जुड़ गए, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम फॉलो करते हैं। टीवी मीडिया रिंगटोन से दूर है, चैनल को काट चुके हैं, एक खरीदे 50 रुपये में प्लायर, नोच प्लायर, ऐसे करके डिश टीवी का तरवा काट दिए, निश्चिंत हैं। अब जो हम देखना चाहते हैं वही देखते हैं। अगला है, राजू सर क्या ETF में इंटरेस्ट इन्वेस्ट करना सही होगा? एक है ETF और एक है मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स फंड, उनको मैं BBG बोलता हूँ। आपने शादी करके ले आए और ETF है अगल बगल से घूमते हुए, देखें अरे कितना अच्छा है, एक बार आपने देख लिया
करके लेते आए, इनके साथ बिताना है, वो अच्छा है खराब है, होता क्या है ना ईटीएफ के चक्कर में, आप जैसे ही ईटीएफ में इन्वेस्ट करेंगे आपको चाहिए डीमेट अकाउंट, जैसे ही डीमेट मिलेगा मैसेज आएगा, अरे 5 दिन में 200% का रिटर्न, अरे 7 दिन में 200% रिटर्न, 4 दिन में डबल हो गया, तो आप कब तक रोक पाएंगे अपने आप को? अगल बगल वाले को देखेंगे ऐसे झलका, ऐसे लटका, ऐसे संगीत, ऐसे खुशबू। अपने वाइफ को क्या बोला आपने, भूख लगी है खाना बना के दे दो, उनको तो आप अपने ग्रोथ में लगा दिए बैटरी रिचार्ज करने के लिए, आपका डिस्चार्ज हो रहा है बैटरी, वहाँ बैटरी चार्ज करने के लिए लगाने के लिए खाना बनाने के लिए बोल दिया, अगल बगल बाहर निकल के देख रहे हैं फायदा कुछ भी नहीं है। ईटीएफ में इन्वेस्ट नहीं करना है, करेंगे तो वह बहुत लॉस खा के बैठेंगे, और शेयर में पैसा ट्रेडिंग में पैसा बनता नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा लगाते रहिए, बहुत ज़्यादा पैसा है थोड़ा बहुत लगा के छोड़ दीजिए, फिर भी बोलूँगा बहुत ज़्यादा पैसा है तो बहुत ज़्यादा पैसा बन जाएगा मिड कैप स्मॉल कैप में। ETF से बेहतर है ना SBI 250 इंडेक्स फंड, SBI का 150 मिड कैप इंडेक्स फंड, इससे बेहतरीन कोई फंड नहीं है, इससे आप बच के रहिए ज़्यादा अच्छा होगा। एक बार घर लेते आए हैं उसी के साथ निर्वाह करते रहिए, इसी में सबका भलाई है। आपको म्यूचुअल फंड के बारे में इसी तरह कुछ जानना है, कमेंट्स आप करते रहिए, यहाँ पे व्हाट्सअप करके आप अपना क्वेश्चन भी भेज सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है, डर लगता है यूट्यूब भाग जाएगा, ऑनलाइन है ये है वो है, तो मात्र 100 रुपया पर मंथ से पहले SIP कीजिए। खोपड़ी का ब्लूटूथ जब ऑन हो जाएगा तब लगेगा कि कोई भाग नहीं रहा है, डूब नहीं रहा है, हरा नहीं रहा है, तब ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।